अपना परिचय दीजिए। जी मैं डॉक्टर अनुपम राघव फ्रॉम इंडिया से, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी। और आप अलीगढ़ से यहाँ लुम्बिनी आकर कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ पर जो सागर में जितनी गहराई होती है, जैसे मैंने सागर ब्लू दिखाया है कलर, तो सागर का प्रतीक, उसके अंदर जो गहराई है वो नेपाल वासियों में यहाँ आकर के सबके अंदर वो प्यार की गहराई है। जो बुद्ध पूर्णिमा है आज, मोदी जी का भी यहाँ आगमन हो रहा है, तो और उसी को लेकर जो मैंने इसको कैंपेन को भी किया है यहाँ पर, तो उसी को वो बुद्ध जी आज बुद्ध पूर्णिमा है, वो शांति के प्रतीक हैं। उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि उनका जो यहाँ नेपाल वासियों का, तो मैंने उसी शांति को प्रतीक के लिए कहा, एक सूत्र में बांधने वाला माला है, तो उन्होंने दोनों देशों को मिलाकर के एक सूत्र में बांधते हैं। उसी तरह से संदेश देते हुए इसको दिखाया है मैंने। यहाँ पर सभी राज्यों से आए हुए हैं, सभी का कला संगम है यहाँ पर। मैं वासुदेव कुंज को धन्यवाद देती हूँ, और उड़ान वाटर ग्रुप की संचालक ममता राजपूत को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने यहाँ पर यहाँ सभी से मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप नेपाल आई, और कौन ऐसा चीज है जो कि आप इंडिया जाकर भी आप मिस करेंगी? नहीं, ऐसा कहीं मिस नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हम इंडिया में हैं या हम नेपाल में हैं। भोजन भी वही सात्विक भोजन है, जो कि मैं भी सात्विक विचार से हूँ, फिलोसफी को ही अपना सिद्धांत रूप से अपनी पेंटिंग में धारण करती हूँ। मेरा जो सिंबल है, मैं हम हमेशा शंख को लेती हूँ, क्योंकि शंख ऊपर से बहुत हार्ड सा लगता है, लेकिन अंदर से उसकी जो ध्वनि निकलती है स्वर के रूप में, वो शांतिपूर्ण होती है। तो सभी का यहाँ पर माहौल जो है, सभी की जो भाषा है वो बहुत शांतिपूर्ण प्रेम पूर्वक है, सबके अंदर सद्भावना है, सबके अंदर। जैसे हमारे इंडिया और नेपाल एक पुरुष प्रधान देश भी है, और आप महिला लोग भी अब दूर दूर से आकर इधर उधर जाकर नेपाल इंडिया लगायत के अन्य देशों में कला क्षेत्र आप दर्शाती हैं, तो समाज आप लोग को किस तरह, किस नजर से देखती है? नहीं नहीं, आज प्राचीन में वो व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में समय देखा जाए तो नारी सशक्तिकरण का स्थान सर्वोपरि माना जा रहा है, और यहाँ नारियों की हमेशा प्राचीन वेदों से ही नारियों को सम्मान दिया जाता है, कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो वो हमने यहाँ देखा का हंस को वासु गौतम जी ने, और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनकी टीम है, सबने हम नारियों को सबसे पहले स्वागत किया है, हर तहे दिल से हम सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप बहुत जगह भी कला दर्शाने जाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर महिला और पुरुष में कुछ भिन्नता पाया जाता है कि समान व्यवहार होता है? नहीं नहीं, जैसे कि एक बहन का जो सम्मान दिया जाता है, एक माँ का जो सम्मान दिया जाता है, हम सब जगह यही सम्मान पाते हैं, और वही हमने यहाँ आकर के नेपाल में भी देखा, हमको बहुत सम्मान मिला। समस्त नेपाल वासियों को आप क्या कहना चाहते हैं? सबके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, वैसे देखा जाए तो नेपाल की भारत की संस्कृति में मिट्टी मिट्टी सब अच्छी है। अजंता में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम बुद्ध को देखते हैं, महाराष्ट्र में जाकर के इंडिया में भी देखते हैं तो वहाँ भी बुद्ध को बहुत स्थान स्वरूप मिलता है। यहाँ भी बुद्ध जन्मस्थली है यहाँ पर आके, तो हम अहोभाग्य हैं जो हमारे हम यहाँ पर आए और उनकी जन्मस्थली का हमने शाम को दर्शन भी किया। और मैं शुरू से ही बुद्ध जी की एक प्रेरणा से, वो जो कहते हैं कि मुझे उनके आंख बंद करके भी मैं देखती हूँ, तो उनको आंखों से मैंने शुरू से ही उनको अपना वाश टेक्निक जो है, सबसे प्रथम मेरी पेंटिंग भी बुद्ध जी की ही पड़ी बनी है। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपके नेपाल वासियों के लिए, सभी के लिए।